आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। इससे पहले आप इक्वेशंस पढ़ चुके हैं। इनइक्वालिटीज तक पहुंचने से पहले मैं थोड़ा इक्वेशन का आपको बताता हूं। इक्वेशन क्या चीज होती है? जब भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वलिटी का साइन हम डालें, ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनके बीच में इक्वलिटी का साइन डालें, वो क्या चीज होती है? इक्वेशन। तो इसी तरह किन्हीं भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इनइक्वालिटी का साइन डाल दो, वो क्या बन गई? इनइक्वालिटी। तो लीनियर इनइक्वालिटी क्या होगी? इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? या तो ये लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इनमें से कोई भी एक साइन हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या दो नंबर्स के बीच में ये डालें, ये साइन पुट करें, तो ये चीज क्या बनेगी? इनइक्वालिटी। बाकी लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब, लीनियर का मतलब होता है जिसकी, जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उस चीज को हम क्या कहेंगे? लीनियर। इनइक्वालिटी क्या है? मैं लिखूंगा टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स रिलेटेड बाई द सिंबल्स, सिंबल जब रिलेट करेंगे इन सिंबल से, इस सिंबल को हम क्या पढ़ेंगे? लेस देन। इस सिंबल को हम क्या पढ़ेंगे? ग्रेटर देन। फिर लेस देन आर इक्वल टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इन चार सिंबल से जब भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या दो रियल नंबर्स रिलेट करेंगे तो वो क्या चीज फॉर्म होगी? इनइक्वालिटी। ठीक है, अब उस डिपेंड करेगा लीनियर, जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी तो इनइक्वालिटी क्या होगी? लीनियर इनइक्वालिटी। इसमें एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, मैं लिखूंगा जैसे 3x प्लस 2 इज लेस देन आर इक्वल टू या लेस देन 5, दिस इज इन इनइक्वालिटी। या दूसरी एग्जांपल 3 इज लेस देन 7, या तीसरी एग्जांपल 4x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9। ये सब एग्जांपल्स क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज की एग्जांपल्स। तो इसकी टाइप्स आगे टाइप्स में पढ़े तो फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी किसको कहेंगे? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी तो कोई भी जहां पे दोनों साइड्स एलएचएस आरएचएस रियल नंबर्स हो तो इसको हम क्या कहेंगे? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। जैसे 3 इज लेस देन 7 या आप लिख सकते हैं 9 इज ग्रेटर देन 8 एटसेट्रा, इस टाइप की इनइक्वालिटीज को हम क्या कहेंगे? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। दूसरा आएगा लिटरल इनइक्वालिटी, किसको कहेंगे? जहां वेरिएबल भी इन्वॉल्व होगा, जैसे 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 एटसेट्रा, या कोई भी मैंने ऊपर एग्जांपल लिखी है और 3x plus 2 is less than 5 etc. इनको हम क्या कहेंगे? लिटरल इनइक्वालिटीज। उसके बाद डबल इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज क्या होती है? डबल इनइक्वालिटीज जैसे मैं लिखूंगा 3 is greater than or 3 is less than or equal to x is less than 9, या 4 is y is greater than 4, या variable x pay log is less than or equal to 9 etc. इस टाइप की inequalities को हम क्या कहेंगे? डबल inequalities, क्योंकि variable के साइड भी inequalities, साइड भी inequality का साइन है। इधर भी देखो इस टाइप की inequalities होती है, डबल inequalities। नेक्स्ट डबल के बाद में आएगा स्ट्रिक्ट inequalities, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज क्या होंगी? जहां पे या तो लेस देन या ग्रेटर देन का ही साइन होगा उनको हम क्या कहेंगे? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। जैसे मैं लेता हूं 4 इज लेस देन 9, 3x इज लेस देन 10 एटसेट्रा, या एक और एग्जांपल लो, जैसे या लेता हूं मैं 9x इज ग्रेटर देन 13 एटसेट्रा, या तो लेस देन का या तो ग्रेटर देन का साइन है।
सिंगल इनके बीच में, तो उन इनइक्वालिटीज को हम क्या कहेंगे, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, और फिफ्थ है स्लैक इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज किनको कहेंगे हम, स्लैक इनइक्वालिटीज, जहां पे या जैसे 3x इज लेस देन आर इक्वल टू 11, लेस देन के साथ इक्वलिटी का भी साइन हो उनको हम क्या कहेंगे, स्लैक इनइक्वालिटीज। और 5x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20 एटसेट्रा, दीज आर नोन एज स्लैक इनइक्वालिटीज। उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन, इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। तो ये आपने इक्वेशन में भी पढ़ा है, सॉल्यूशन होता क्या है, वेरिएबल की वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करे, जो उसको एक ट्रू स्टेटमेंट बनाए, उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। तो सेम इज द केस फॉर इनइक्वालिटीज, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जो उसके एक ट्रू स्टेटमेंट बनाए, हम उसको क्या कहेंगे, उसका सॉल्यूशन कहेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कैसे विद एग्जांपल्स। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल होता क्या है, मैं कोई एक इनइक्वालिटी कंसिडर करता हूं, कंसिडर द इनइक्वालिटी इसको कंसिडर करें तो हमारे पास क्या है, 3x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, कोई भी एक इनइक्वालिटी, इसको मैंने फर्स्ट रख दिया, फर्स्ट कंडीशन रख दिया। तो इसमें देखो मैक्स की वैल्यू 1 लेट करो, x की वैल्यू 1 लेट करो तो पुट करो तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 इंटू 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 10। 3 इंटू 1 क्या होता है, 3 लेस देन आर इक्वल टू 10 आ रहा है, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है, 3 दोनों कंडीशन में से एक सेटिस्फाई, या तो लेस या तो इक्वल, इक्वल तो नहीं बट लेस तो है, ये ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है। जैसे मैं यही फॉर x इज इक्वल टू 2 देखूं तो 3 इंटू 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, इसमें पुट की x की वैल्यू, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है, 3 इंटू 2 6 विच इज लेस देन आर इक्वल टू 10। ऐसे फॉर x इज इक्वल टू 3 देखूं तो 3 इंटू 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, ये फिर से ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है, 3 3 9 विच इज लेस देन आर इक्वल टू, बट फॉर x इज इक्वल टू 4 क्या आएगा, 3 इंटू 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, ये स्टेटमेंट आना चाहिए, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि 3 4 से 12 इज नाइदर लेस नॉर इक्वल टू 10, तो ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट आया। तो इसका मतलब x की ये जो ऊपर वाली तीन वैल्यू जिन्होंने इसको एक ट्रू स्टेटमेंट बनाया, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया, वो क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन। इस तरह मतलब वही 3 या 3 से नीचे है, ये मैं इंटीग्रल पॉइंट्स पे बता रहा हूं, कोई भी ये होंगे, इसके सॉल्यूशंस होंगे, इंटीजर जो 3 या 3 से नीचे लाई करेंगे वो इसके सॉल्यूशंस होंगे। हम कह सकते हैं कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के रूल्स क्या होते हैं, सेम मतलब रूल्स यहां भी यूज होंगे। रूल्स की बात करें तो कोई भी इनइक्वालिटी है, 3x मान लो इज लेस देन आर इक्वल टू 10 है, इसमें सेम इक्वेशन के रूल अप्लाई होंगे। एडिशन वाली टर्म आगे ट्रांसपोज करनी है तो ऐड का सबट्रैक्ट हो जाता है, सबट्रैक्ट का ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है। जैसे x है 3x 10 है तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 10 अपॉन 3, इक्वेशन के रूल, इसको साइड दिया तो इधर मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया। ऐसे ही कोई भी x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 7 है, इंप्लाइज दैट x इस 2 को साइड ट्रांसपोज करें तो क्या आ जाएगा, 7 प्लस 2 को सही जाके माइनस 2। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा ये देखना आपने डिफरेंस क्या है, अगर आपके पास माइनस 5x इज लेस देन आर इक्वल टू 9 है, तो किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड से जब आगे ट्रांसपोज कर रहे हो, नेगेटिव नंबर नंबर ये मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, और उसके ट्रांसपोज कर रहे हो, जैसे माइनस 5 को सही लेता हूँ, उस केस में आपने क्या करना है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देना, इधर लेस देन आर इक्वल टू कितना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अब ये बनेगा 9 अपॉन, ये माइनस 5 को ट्रांसपोज किया ना, उस केस में नेगेटिव नंबर को ट्रांसपोज करो मल्टीप्लाई या डिवाइड से, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देना है।
आप ये लिख सकते हैं, या मान लो कोई हमारे पास इस तरह से है, कोई भी x अपॉन माइनस टू इज ग्रेटर देन 7, तो विच इंप्लाइज दैट इस माइनस टू को साइड लो तो इस ग्रेटर देन का क्या आएगा, लेस देन 7, तो ये माइनस टू साइड जाके क्या होगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई, उस केस में इनइक्वालिटी का साइन आपने रिवर्स कर देना है। तो ये है इसको सॉल्व करने के रूल्स, बाकी ये रूल्स और सॉल्यूशंस के बेसिस पे हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.1। यहाँ पे हमने इनको इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में नेचुरल नंबर और इंटीजर सॉल्यूशंस निकालने हैं। इनइक्वालिटी है 24x इज लेस देन 100, नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन एक्सरसाइज कौन सी है 6.1, द गिवन इनइक्वालिटीज, क्या गिवन इनइक्वालिटी 24x इज लेस देन 100, 24x इज लेस देन 100, तो विच इंप्लाइज दैट x is less than 24, positive number इसको transpose करो, वो side जाके 100 upon 24 आएगा, implies that x is less than, ये cancel होते हैं, 25 4s are 100, 6 4s are 24, ठीक है, तो जो कि किसके बराबर आता है, r, मतलब यही लिखूं मैं, 6.64 होते हैं 24 upon 25 upon 6 = 4 point something, तो ये आया हमारे पास x इज लेस देन, x क्या होना चाहिए 25 upon 6 है, उससे लेस ही होना चाहिए, उससे ग्रेटर होगा तो मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसके मतलब सॉल्यूशंस क्या आएंगे, फर्स्ट x इज अ नेचुरल नंबर, फर्स्ट पार्ट व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर द सॉल्यूशंस आर, सॉल्यूशंस आर, उस केस में सॉल्यूशंस क्या होंगे, नेचुरल नंबर सॉल्यूशन क्या होने हैं, 24 अपॉन 6 की वैल्यू आती है 4 पॉइंट, मतलब रखो कुछ भी, तो नेचुरल नंबर x इज लेस देन 25 अपॉन 6, इसका मतलब नेचुरल नंबर्स देखने हमने 25 अपॉन 6 से छोटे कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, 4 पॉइंट, वो नेचुरल नंबर्स क्या आएंगे 1 2 3 एंड 4, ये सॉल्यूशंस आएंगे, व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर द सॉल्यूशंस आर, ये सॉल्यूशन होंगे, यही नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करेंगे। और सेकंड पार्ट में हमें देखना है व्हेन x इज एन इंटीजर, इंटीग्रल सॉल्यूशंस देखने हैं, इंटीजर द सॉल्यूशंस आर, सॉल्यूशन उस केस में ये सेट लिखता हूं, उस केस में सॉल्यूशंस क्या होंगे, सेट लिखो माइनस वन, क्योंकि अब इंटीजर्स आएंगे सारे नेगेटिव इंटीजर्स भी आ सकते हैं, तो इसमें वन माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर तक इंटीग्रल सॉल्यूशन दे आएंगे, ये चीज क्या इंटीगेट, ये इंडिकेट कर रही है चलते जा रहे हैं, इनके कोई एंड नहीं है साइड, उसके से सेट बना के लिखो सॉल्यूशन आर दिस सेट, दिस सॉल्यूशन, इसी तरह आप बाकी पार्ट सॉल्व करोगे। सेकंड थर्ड से है, मैं फोर्थ करवाता हूँ इसको, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर में देखो, वी हैव गिवन इनइक्वालिटी, क्या दी गई हमारे पास, 3x plus 8 is greater than 2, और इसके सॉल्यूशन इंटीग्रल सॉल्यूशन और रियल नंबर सॉल्यूशन हमने देखने हैं, तो विच इंप्लाइज दैट 3x इज ग्रेटर देन, इस 8 को हम उस साइड ट्रांसपोज करते हैं तो ये आएगा प्लस 8 का माइनस 8, इंप्लाइज दैट 3x इज ग्रेटर देन 2 में से 8 गया तो माइनस 6, इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन माइनस 6 अपॉन ये 3 उस साइड जाके क्या हो गया 2, और हमारे पास क्या है x इज ग्रेटर देन माइनस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 3, ये यानी कि x क्या है ग्रेटर देन क्या होना चाहिए माइनस 3 से ग्रेटर होना चाहिए, तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट द इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकाल लें, तो व्हेन x इज एन इंटीजर द सॉल्यूशंस आर माइनस 3 से ग्रेटर, सभी इंटीजर आएंगे सॉल्यूशंस, इसका मतलब सॉल्यूशंस क्या होंगे
मैं लिखता हूँ माइनस थ्री से ग्रेटर, ये इंक्लूड नहीं होगा, दैट इज माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री सो ऑन, ये सोल्यूशन होते हैं। वेन एक्स इज सेकेंड पार्ट में एक्स इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर नंबर द सोल्यूशन आर, ये इंटरवल लिखा, उसके से सोल्यूशन क्या होंगे, इंटरवल माइनस थ्री से ग्रेटर है ना, तो आप लिखोगे माइनस थ्री टू इंफिनिटी, इस इंटरवल के सभी पॉइंट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस थ्री से ग्रेटर और अप टू इंफिनिटी, दोनों साइड में ओपन इंटरवल लगाया क्योंकि माइनस थ्री भी इंक्लूड नहीं है और इंफिनिटी हम टच कर नहीं सकते, इनके बीच में सभी रियल नंबर आए, इसके रियल नंबर सोल्यूशन। और नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 टू 16, इसमें रियल नंबर x के लिए हमने इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है, फिफ्थ सिक्स में से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं यहां पे, क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे हमारे पास इनइक्वालिटी क्या दी गई है, वी हैव 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 1, 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 1, ये इनइक्वालिटी दी गई है हमारे पास, और हमने क्या फाइंड करना है इसमें, इसमें रियल वैल्यू, इसकी एक्स के एक्स सॉल्यूशन फाइंड करना है, रियल सॉल्यूशन। तो इसमें देखो एक्स वाली टर्म में एक साइड ट्रांसपोज करता हूं, 3x इस 5 के साइड लाया तो ये क्या बन गया माइनस 5x, ये ग्रेटर देन ऐसे ही माइनस 1 के ऐसे, तो माइनस 7 को साइड लेता हूँ, कांस्टेंट एक साइड रखे और वेरिएबल वाली टर्म एक साइड सेपरेट की मैंने, तो इंप्लाइज दैट 3x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 2x इज ग्रेटर देन माइनस 1 प्लस 7 का क्या आएगा 6, विच इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन 6 अपॉन माइनस 2, बट यहाँ पे ग्रेटर देन ही आएगा, यहाँ पे लेस देन आएगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई डिवाइड से आप ट्रांसपोज कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है, 6 अपॉन माइनस 2 इंप्लाइज दैट x इज लेस देन माइनस 3, तो देयरफॉर द सॉल्यूशंस आर, इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल माइनस 3 से ग्रेटर सभी रियल नंबर्स, माइनस 3 इन्फिनिटी, ये लिख सकते हैं, देयरफॉर द सॉल्यूशन आर दिस इंटरवल एक्स, सभी ये वैल्यूज एक्स के जो इस इंटरवल में लाई कर रही है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 में से एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मैं 10th क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, हमारे पास ये इनइक्वालिटी क्या दी गई है, x अपॉन 3, वी हैव x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन क्या है x प्लस 2, x अपॉन 2 प्लस 1, ये इनइक्वालिटी दी गई है, इसका मतलब क्या होगा, x अपॉन 3 इस x अपॉन 2 को भी साइड ट्रांसपोज करो तो माइनस आ जाएगा, माइनस x अपॉन 2 ये ऐसे ग्रेटर देन 1 आ रहा है, जिसमें से अपॉन व्हिच इंप्लाइज दैट, यहां पे देखो 3 और 2 का एलसीएम आता है 6 2 इनटू x का 2x माइनस 3 इनटू x का 3x इज ग्रेटर देन 1, इसको सिंपलीफाई किया एलएचएस को ये आ जाएगा किसके बराबर 2x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस x अपॉन 6 is greater than 1, which implies that minus x is greater than 6, so side जाके positive number तो ये क्या बन गया 6 1 जर 6, which implies that x, तो यहाँ से minus 1 को transpose किया हमने side दिया, तो ये क्या आ जाएगा, inequality का sign is less than, ये आएगा 6 upon multiply से divide हो गया, और x is less than minus 6, so therefore the solutions are, solutions कौन से देखने, real number solutions, तो क्या होंगे x belongs to माइनस 6 से छोटे सभी रियल नंबर्स, तो ये आ जाएगा कहां तक होते हैं छोटे माइनस इनफिनिटी माइनस 6 ओपन ओपन इंटरवल दोनों साइड आएगा,
ये तो स्ट्रिक्ट वाले आ रहे हैं, मैं एक स्लैक इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन को आता हूं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखे हैं, इसमें हमारे पास इनइक्वालिटी क्या दी गई है, 1 upon 2 into 3x plus 1 upon 2 into 3x upon 5 plus 4 is greater than or equal to 1 upon 3 x minus 6 के बराबर, ये इनइक्वालिटी दी गई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं, 1 upon 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो 1 upon 2 into 1 into 3 का आएगा 3x upon 2 into 5 10 प्लस का प्लस, तो 1 upon 2 into 4 किसके बराबर आएगा 2, इस 2 से 4 डिवाइड हो तो ये 2 के बराबर, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 upon 3 से एक्स को ये मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 1 into x का x upon 3, 1 upon 3 से 6 को डिवाइड किया तो 6 3 से डिवाइड हुआ ये आएगा 2 के बराबर, विच इंप्लाइज दैट एक्स वाली टर्म्स एक साइड लिखते हैं हम 3x upon 10 के साथ में लिखूंगा मैं x upon 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ -2 RHS में और इस 2 को भी साइड लिया तो ये बन गया -2, विच इंप्लाइज दैट यहाँ पे इनके एलसीएम निकालो 10 into 3 30, 3 into 3 9x, 10 into 1 10x is greater than or equal to -4 के बराबर, which implies that 9 minus 10 minus x upon 30 is greater than or equal to -4, which implies that minus x is greater than or equal to 30, उस साइड जाके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 120, पॉजिटिव नंबर है उस केस में इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आप इस माइनस को ट्रांसपोज कर रहे हैं हम ये माइनस एक्स एक्स बनाना दिस एक्स को माइनस वन को ट्रांसपोज करते हो साइड मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू इज लेस देन आर इक्वल टू तो ये साइड आएगा 120 अपॉन माइनस वन का माइनस 120 डायरेक्ट लिख दिया, देयरफॉर द सॉल्यूशंस और इसके सॉल्यूशन क्या होंगे एक्स की वो वैल्यूज इस इंटरवल को बिलोंग करें -120 या उससे नीचे सभी रियल नंबर्स, तो नीचे कहां तक -∞ ओपन इंटरवल -120 यहां पे क्लोज इंटरवल का होगा क्योंकि 120 पॉइंट इंक्लूड है, -120 इंक्लूड होगा इस इंटरवल के सभी रियल नंबर्स, वो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा। नेक्स्ट आप ट्राई करोगे आपको क्वेश्चन नंबर 16 इसी तरह ये क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने, क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस फाइंड करने कल हम यहाँ से आगे ये कंटिन्यू करेंगे और ये एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे।